न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के सीधे जिले में चार लोगों ने कथित तौर पर 85 वर्षीय विधवा महिला के साथ गैंगरेप कर उसकी निजी अंगों में लोहे की छड़ डाल दी। इस दरिंदगी पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने गैंगरेप की घटना से जुड़ी खबर साझा करते हुए कहा कि एक और निर्भया कब तक सहेंगे नारी परिवार और अब की बार मोदी सरकार। गैंगरेप की घटना में चार लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। आपको बता दें अमालिया थाने के प्रभारी निरीक्षक दीपा बघेल ने बताया कि सीधे जिला मुख्यालय में से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक गांव में शनिवार रात को एक घटना हुई। पीड़िता के पति का 4 साल पहले निधन हो चुका था और वो आजीविका के लिए गांव में ही अपनी झोपड़ी में छोटी सी दुकान चलाती थी। वो अपनी छोटी बहन और 2 बच्चों के साथ वहां रहती थी। बता दें बघेल ने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि शनिवार रात पीड़िता अपने दुकान बंद कर झोपड़ी में सोने चली गई थी। तभी रात करीब 10 बजे आरोपी वहां पहुंचा और पीने के लिए पानी मांगा। महिला के इनकार करने पर भी वे जबरदस्ती झोपड़ी में घुस आए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कार के बाद उन्होंने पीड़िता के निजी अंगों में लोहे की छड़ डालकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद अत्यधिक रक्तस्राव के साथ के कारण महिला बेहोश हो गई। उन्होंने बताया कि घटना के समय पीड़िता की 40 वर्षीय छोटी बहन और 16 और 8 वर्षीय 2 बड़े बेटे खरी में थे, लेकिन वो मदद के लिए लोगों को नहीं बुला सके क्योंकि उनकी झोपड़ी गांव से अलग सुनसान जगह पर थी। बघेल ने बताया कि पीड़िता को उपचार के लिए पहले सीधे जिले के अस्पताल में भेजा गया। वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए पड़ोसी रीवा जिले के शकिकाय अस्पताल में भेजा गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा उसकी हालत सुधार के साथ खतरे से बाहर बताई गई। उन्होंने बताया कि घटना के बाद पीड़िता की बहन ने गाँव में एक ऑटो रिक्शा कर बुलाया और पीड़िता को अमालिया पुलिस थाने लेकर आए, जहां से पीड़िता को सीधे के जिला अस्पताल में भेजा गया। बघेल ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के बाद रविवार को ही चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया था और उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपी और पीड़िता एक ही गांव के रहने वाले हैं। बता दें पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत पर भादवी की धारा 376 के तहत सहित अन्य प्रतिबंध धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। इस घटना पर प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हुए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सीधी की घटना में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें जल्द ही सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।